आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती है, न यहाँ पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल एक कोड़ी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा, फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दे, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी, आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही।